अच्छा बच्चे तो मोमो में इतनी बुरी तरह से गुम है कि आपके आने से पहले मोमो मोमो ही चल रहा था। अच्छा हाँ, तो वो तो मुझे लगता है कि आपको भी अब आदत हो गई हुई है। मोमो को आदत हो गई होगी। हाँ, नहीं आपको भी होगी होगी, इतना लोग इतना एसोसिएट करते हैं इस कैरेक्टर से। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिकॉज दे लाइक इट, दे लव इट। बट मुझे उसको उस कैरेक्टर से खुद को अलग रखना होता है। हाँ. ताकि अपनी जिंदगी डिस्टर्ब ना। हाँ बिल्कुल सही। और कैसी लाइफ है, कैसी हाउस लाइफ, क्या नया हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? रोज ही कुछ नया होता है और मजे की जिंदगी अच्छी है, क्रिएटिव साइड पर है। और मतलब एक्टिंग यही चल रही है, मतलब कॉमेडी साइड पे जरा फन फील्ड एक्टिंग, या फिर सीरियस जो कि आप इतना अच्छा करती हैं उसको ज्यादा करें? सीरियस। और मुझे मुझे लगता है कि मैं अब आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में शायद कॉमेडी अब ना करूं, आगे फिर कर लूंगी, जस्ट टू मुंह का मजा बदलने के लिए। अच्छा, लेकिन कॉमेडी जितना आप पे सजती है वो एक ब्लेसिंग, वो अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह करे सीरियस भी इतनी सजे। सच वो सजती है, मगर लोगों की पसंदीदगी की बात है ना, आपको खुद क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगा है कि वो कॉमेडी एक्टिंग छोड़ देंगी, ये चीज पसंद आई है? हाँ अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे कि उन्हें कॉमेडी करनी चाहिए या उन्हें ज्यादा सीरियस रोल्स करने चाहिए? कॉमेडी करनी चाहिए। ये तो इनकी रियलिटी है ना, मेरी रियलिटी तो ये नहीं। हाँ। मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए एहदे कम जर्फ की हर बात गवारा कर ले। क्या बात है। क्या बात। अच्छा मोमो, कुछ अपने बारे में बताइए, मोमो के बारे में बताइए। दिस डिस्कवरी ऑफ एन आर्टिस्ट के वो एक अपना कैरेक्टर अपने अंदर एक कैरेक्टर को इन्वेंट करता है, ये कैसे हुआ था? एक्चुअली ये कैरेक्टर है ट्रिब्यूट, कुछ कुछ लोगों के लिए भी है जो जिनसे मैं शायद एक ही बार मिली होंगी, मगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है जिसके लिए मुझे लगता था कि मुझे ये कैरेक्टर जरूर करना चाहिए। अच्छा। इसकी वॉक वगैरह सब आपने खुद? वॉक तो इसलिए आई, जब वो मोटा सा चश्मा लगाया गया तो उसमें जमीन कभी यहाँ नजर आती थी कभी यहाँ, तो जब चलने में थोड़ी सा डर गई थी तो यूं यूं करके चल रही थी, वो ऑटो पे बन गई है। अच्छा। हाँ। वो किसी को देख के कॉपी नहीं की आपने? नहीं नहीं, ना कॉपी की और ना किसी ने बताया। अच्छा, वेरी गुड। सो देख ले, जब मैं एक चश्मा आदमी की चाल बदल देता है, बस ये देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, और बाकी उसके जो सारा अंदाज है, एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका है, वो सारा मैं मेरा खुद है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ऐसे करो। जब मैंने वैसे किया तो अप्रिशिएट किया और हेल्प आउट किया कि हाँ ये ठीक है, मगर अगर कोई ये कहे कि इसको मैंने बनाया तो वो गलत है। अच्छा। अरे कितनी खवातीन आपके पास आके कहती हैं, हाय मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, मैं बिल्कुल मोमो जैसी हूँ? ये तकरीबन जितनी भी खवातीन मुझे मिलती हैं उनमें से 80% खवातीन ये कहती हैं मेरे मियाँ तो मुझे मोमो कहते हैं। अच्छा। और वाकई में वो असली में मुझे लग रही होती है कि बिल्कुल मोमो कहते हैं। अरे देखा, लेकिन खुद नहीं कहती होंगी, मियाँ कहते होंगे कि आप मोमो जैसी हो, है ना? हाँ। क्योंकि वो मोमो एक खातून से कहने की, आपको पता है मेरे मियाँ मुझे मोमो कहते हैं? मैंने कहा वो मेरी आड़ में कहते हैं। अरे बहुत उम्दा कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म किया, लेकिन हिना का सफर बताइए कि हिना दिलपजीर, बहुत लेट आपने क्यों टेलीविजन स्क्रीन को रौनक बख्शी? क्योंकि मेरा एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था, ये करियर मुझे अपनाना नहीं था, मगर मसला ये होता है कि अपनी मर्जी से कहाँ जिंदगी चलती है, जहाँ का रुख होता है वहाँ चलती है, तो बस जो फ्लो के साथ जिंदगी में आता गया उसको बस ईमानदारी से करने की कोशिश की, वरना मुश्किल हो जाता है सफर। और कॉमेडी जो है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जैसे बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे खुद के लिए इन जिंदगी आसान करने के लिए बहुत जरूरी होता है। सीरियसनेस के साथ साथ ये अंदर से जो कॉमेडी हो जाती है, मतलब आप 12 मसाले की चाट 24 घंटे कैसे बन सकते हैं? आपको सोचना भी होता है, आपको बहुत सारी नई डायमेंशंस होती हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना, पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तो वो ये वाह वाह, ये एक जर्नी ऑफ
आप जिसे कहते हैं लाइफ भी तो है ना कि आप चेंज होते हैं, आपका मूड भी चेंज होता है, ग्रो होते हैं, और बहुत अच्छा होता है कि अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है कि इंसान के ग्रो करने के चांसेस हैं, वरना मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतनी नाइव आई नो, जिसको भी मैं देखती हूँ भाई तुम तो मेरे अंदर भी आदत थी, तुम अगर ऐसे करियो मेरे भी अंदर आदत थी, इसे निकाल दो, इसे निकाल। अच्छा, वो कौन सी आते हैं जो आप अभी मशवरा देंगी, वो सारी प्यारी खवातीन जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, यार ये आते निकाल दो, बड़ी मेहरबानी। सबसे जो बड़ी बात है वो कोई भी बात सुन के किसी को जज करना, जजमेंट की अथॉरिटी हमारे पास है नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है। आज सपोज आज 40 डिग्री गर्मी है ना, तो ये तो एक फैक्ट है, मगर अगर हम ये कहें आज बहुत ही सड़ी हुई गर्मी है, ये जजमेंट है और जजमेंट अल्लाह को पसंद नहीं। ठीक है, तो सुनी सुनाई बातों पे इत्तबात ना करें। अब और सबसे पहले के खुद को पहचाने, अल्लाह ने इंसान को बहुत अमेजिंग बनाया है, जो आप सोच नहीं सकते वो आप कर सकते हैं सिर्फ फोकस होकर। ठीक है, दो बातें सुनी सुनाई बातों पे लेडीज आपने नहीं कान धरने, और दूसरी आपको एडवाइस है हिना की तरफ से कि अपने आप को डिस्कवर करें, आपके अंदर क्या बदगुमानियां, एपथी, एंगर, अपने ऊपर सेल्फ पिटी करना, ये सारी बीमारियां हैं, इनको छोड़ें। और नहीं छूटती है, और हाँ एक बहुत जो शदीद जरूरत है मोहब्बत में डिपेंडेंसी, बगैर अटैचमेंट के मोहब्बत करनी जरूरी है, और बहुत करनी जरूरी है, मगर अटैचमेंट्स नहीं, मगर अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। वाकई? हाँ, तो फिर वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, वो क्या बला? देखें ये तीनों बहुत मुख्तलिफ चीजें, इश्क पर तो हम पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हमें हमेशा चाहिए होता है मैंने फलाने वक्त ऐसा किया, वो यूं करके चली गई या उसने तो लिफ्ट ही, आप जब जब आपको किसी भी रिलेशन में कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाए ना, और एक्सपेक्टेशन जब होती है, जब वो रिलेशनशिप खोखली होती है, तभी तो आपके अंदर ये बात आती है। तो उसमें फिर ये है कि मोहब्बत की डिपेंडेंसी नहीं, आपके पास इतना होना चाहिए कि पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट हो जाए, बट नॉट यू। वेरी गुड, ये ताकत कैसे आती है ना, अब इसका सीक्रेट भी तो बताए ना। ताकत इसी तरह आती है अपने ऊपर काम करके। ठीक है, अपने आप रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, जब आप अपने अंदर से वो चीजें निकालते हैं ना, तो जाहिर है तन्हाई में निकालते हैं, और आप यकीन कीजिए कि माफ करने की जो ताकत है ना, आपके अपने हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं जब आप दिल से किसी को माफ करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, ये ना बचपन से ऐसी थी, कैसी ऐसी चुलबुली शोक जो स्क्रीन पर नजर आती है, आप वैसे नहीं है, ये मुझे पता है कि खौफनाक हद तक संजीदा खातून नहीं है, लेकिन ये कि ये जो शेड्स हैं, लेकिन देखिए ये भी कहीं होता है अंदर, अच्छे मिजाज को समझना और टाइमिंग्स के हिसाब से। नहीं, कभी टॉम बॉय रही है कि बिल्कुल हमेशा से? अच्छा, हमेशा से प्रोजेक्ट्स बहुत होते थे, मेरे अब्बा ने तो ये एडमिट कर लिया था कि ये एक डिफरेंट केस है, इधर से उधर भागी जा रही हूँ, उधर से उधर हाथ में मिट्टी है, कभी पाउडर है, कभी लकड़ी है, कभी कुछ, तजर्बे बड़े होते थे। अच्छा, हाँ, और अगर एक्टर ना होती तो टीचर होती। अच्छा, और क्या पढ़ा रही होती? कोई भी खूबसूरत प्यारा सा लिटरेचर पढ़ा रही होती। अच्छा। या सारी, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूं, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है, मतलब एग्जाम नहीं अच्छा लगता है। नहीं, एग्जाम तो आप जाहिर है किसी जगह बैठेंगे तो वो पैमाना जांचने की कोई होती है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये कैसे ये हादसा हुआ, वाकया हुआ कि हिना स्क्रीन पे आ गई? हाँ, वो बिल्कुल इस तरह हुआ कि एक डायरेक्टर हैं, उनको मैं ट्रांसलेशन कुछ देने गई थी अंग्रेजी से उर्दू की। वो सेट पे काम कर रहे थे, वहाँ जिन खातून को बुलाया था कि भाई वो आपने वहाँ से आके यहाँ दरवाज़ा खोलना है, वो नहीं आई थी और ड्रामा अटका पड़ा था, तो उन्होंने मुझसे कहा प्लीज आप कर दें। मैंने कहा हैं, मैं कर दूं? एंड मैंने एक कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा साड़ी में कौन सी नौकरानी होगी, फिर मेरे दिमाग में आया कि बंगाली हो सकती है, तो भाई जल्दी जल्दी आसपास का कोई बंगाली ढूंढ के कोई गाना उससे कहा जल्दी बोलो जल्दी वो गाना। वो जैसा तैसा उल्टा सीधा, फिर वो देखा था जहन में लेकर आई कैसी होती है ये, तो बस वो एक सीन था वहां से आने का वहां तक, मगर उसके कई कट्स बनाए गए और ये
और फिर जब राइटर ने देखा तो उसने कहा ये तो मैंने कैरेक्टर नहीं लिखा था, तो अब मेरे अगले ड्रामे के लिए मुझे ये खातून चाहिए। तो इसे कहते हैं इन्वेंशन ऑफ अ स्टार, कि एकदम से आपने एक छोटे से काम को आपने अब बड़ा बना लिया खुद से। नहीं तो देखिए औकात तो होती नहीं इंसान की कि ये बना लेंगे ये बना लेंगे, ये सोचे बगैर इससे कत नज़र के ये कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इससे सोचे बगैर बस ईमानदारी से उसको काम को कर दें, चाहे आप रोटी पका रहे हो, चाहे आप इम्तिहान दे रहे हो, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल सही।